वेलकम टू माई चैनल। सो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मेरे नोज के आसपास ना बहुत रेड दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि पता नहीं मेरा, या तो मैं एसी में रह रही हूँ, ऑल्दो गर्मी बहुत चल रही है, इसी एरिया में मेरा सबसे ज़्यादा एक टाइम होता था जब ऑयल होता था, ऑयली स्किन है मेरी वैसे हुआ करती थी, बट इस एरिया में मुझे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है। मे बी बिकॉज आई एम या तो एसी की वजह से हो रहा है या पानी कम पी रही हूँ किसकी वजह से हो रहा है, मुझे लिटरली बिल्कुल नहीं पता है, बट बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। एंड अभी मैंने बहुत सारा लोशन लगाया है, तो जब मैं लोशन लगाती हूँ तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, दैट्स वाई मेरा ऐसा लाल लाल हो रहा है। आज है फ्राइडे और कल है मेन इवेंट, मतलब जो एंगेजमेंट वाला फंक्शन है वो कल होने वाला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो आज हम लोगों को, क्योंकि मैं कल एंकरिंग करने वाली हूँ और हमारी कोई तैयारी नहीं, ना हमारी डांस की कोई तैयारी हुई है, ना तो हमारी एंकरिंग की कोई तैयारी हुई है, तो मुझे जब ऐसे तो एंकरिंग नहीं करना है क्योंकि पहले तो वो सब होता है ना, टीका वीका होता है, जो भी एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होता है, उसके बाद फिर रिंग सेरेमनी होगी, तो जब रिंग सेरेमनी होगी तब फिर मैं एंकरिंग करूँगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जीवन में आज तक मतलब मुझे स्टेज फियर नहीं है, आई नेवर हैड स्टेज फियर। मैं मतलब कॉलेज टाइम में तो इंटर स्टेट कॉलेज हमारा फंक्शन होता था, तो चार पाँच हज़ार लोगों के सामने आराम से बिंदास बिना डरे डांस कर लेती हूँ मैं, तो ऐसा मुझे डांस को लेकर के, बात करने को लेकर के कोई स्टेज फियर नहीं है। बट मैंने आज तक एंकरिंग नहीं करी, स्टेज पे तो छोड़ दो, मैंने ना कभी स्कूल में करी है जबकि असेंबली करवाती थी मैं, आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं करी है जबकि मैं इतनी बेकार नहीं हूँ बोलने में, बट मैंने कभी एंकरिंग नहीं करी। मेरी इवन घर में भी जो भी शादियाँ होती है ना उसमें भी मैंने कभी एंकरिंग नहीं करी, या तो कोई और ने करी, मतलब मैं भाग लेती हूँ एंकरिंग वाले जोन से, मुझे ऐसा लगता है मुझे एंकरिंग नहीं करना, मुझे नीचे खड़े होकर चिल्लाने वाला काम ज्यादा करना है और डांस करके फ्री हो जाना है ऐसा। और आंटी को बोल रही थी, मैंने कहा जैसे मैं नॉर्मल बातें करती हूँ मैं ऐसी बिंदास बात करने वाली हूँ। आज मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगी, एक हम गेम्स वगैरह ब्राइड और ग्रूम को थोड़ा फन गेम्स खिलवाने का सोच रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग बैठ के लिखेंगे शाम को, वो आज हम लोग करने वाले हैं। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज अब कल का दिन है, कल मुझे पता है कल बहुत भागा दौड़ी मच जाएगी, तो इसलिए मैं कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ। मैं आज अपने बालों में कर्ड लगाने वाली हूँ और कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू से हेयर वॉश भी करूंगी, मतलब मैं हेयर वॉश आज ही कर लूंगी, कल नहीं करूंगी। तो अभी फटाफट से दही लगाते हैं, मैं बहुत दिन से टाल रही थी, बहुत टाइम से मैंने दही लगाया भी नहीं है, तो मैं मस्त तरीके से अपने बालों में दही लगाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा फेस जो है वो मुझे ठीक भी करना है, तो मैं वैसे तो फेस शेव करती हूँ बट आज मैं सोच रही हूँ आईब्रोज के थोड़े से जो हेयर है वो प्लक करूंगी विद द हेल्प ऑफ माई प्लक। कहाँ गया भाई। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और ये जो व्लॉग है ये पूरा आपको इंगेजमेंट वाला जो सेरेमनी रहेगा ना वो पूरा मैं इंक्लूड करूंगी, बिकॉज अभी आज तो इतना कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं ना, इतना प्रेपरेशन नहीं है मेरी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ओके गाइस, आई हैव अप्लाइड दही, बहुत कम क्वांटिटी में दही बचा था तो मैंने पानी मिला के लगाया है, और यहाँ पर मैंने हनी लगा लिया है, और अभी मैं अपनी आईब्रोज वो कर रही हूँ। देख पा रहे हो माई हेयर आर लुकिंग सुपर अमेजिंग, काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूदन आउट लग रहे हैं मेरे बाल। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है अभी ये मामा अर्थ का कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, मैं पहले भी इसके बारे में शेयर कर चुकी हूँ। ड्राइनेस और जो टेमिंग और फ्रिजीनेस होती है वो हटाने के लिए हम लोग कर्ड यूज़ करते हैं, हमारा बहुत ही पुराना एंशियंट मेथड है ये, बट समटाइम्स यू नो इतना टाइम नहीं होता है कि आप कर्ड लगा सको और फिर उसको इतने देर रख सको, बिकॉज वर्किंग वेमेन होते हैं काफ़ी सारी बार, आपको जल्दी में शैम्पू करना होता है, तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू, बिकॉज ये वर्क बिल्कुल वैसे ही करता है। इसके अंदर कर्ड और साथ ही साथ हाइड्रोलाइज्ड केराटिन मिला हुआ है। कर्ड होता है वो एक नेचुरल कंडीशनर होता है जो कि आपके बालों से नेचुरली फ्रिज को खत्म करता है और आपके बालों को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है, और जो हाइड्रोलाइज्ड केराटिन है वो इम्प्रूव करता है मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट को एंड हेल्प करता है आपके बालों को स्मूदन आउट करने के लिए। केराटिन इज प्रूवन टू मेक हेयर स्मूदर एज वेल, काफी अच्छे से आपके बालों को ये क्लेंज करता है एंड काफी अच्छा शाइनी बनाता है एंड स्मूद बनाता है, योर हेयर लुक्स अमेजिंग, ऐसा लगता है आपने पार्लर या सैलून से कोई ट्रीटमेंट करवा रखा हुआ है, इट्स लुकिंग दैट ग्रेट। जो शैम्पू एंड कंडीशनर का कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली करता क्या है, आपको अप टू 100% स्मूदर शाइनियर हेयर देता है। कर्ड एंड केराटिन आपके बालों को स्मूदन आउट करते हैं, जेंटली क्लेंस करता है, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट मेड सेफ सर्टिफाइड है, जिसका मतलब है ये खुद में ही एक प्रूफ है प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स टॉक्सिन्स नहीं है। तो यस, अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं इससे आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट की लिंक दे दूंगी, स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पे। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल है नायका, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर, बट अभी आपके नियर बाय स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो जब भी आप चेकआउट करें मुझे बताइएगा जरूर, अब तो आई थिंक सबने देख लिया होगा, हर जगह आ चुका है। एंड एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ की वेबसाइट से, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है, आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से व्लॉग की तरफ।
चेकआउट जरूर करिएगा ये शैम्पू एंड कंडीशनर की रेंज को, अमेजिंग प्रोडक्ट। मतलब अभी मैं ना शार वगैरह लेने के बाद खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू के पराठे, रायता और मस्त पुदीने की चटनी और उसके साथ सैलड ठंडा ठंडा, ऊपर से बाल गीले ठंडे, मतलब गीले नहीं ठंडे बाल थे, और ठंडे बाल और साथ में एसी चल रहा था और मैं एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुन रही थी, बहुत सूदिंग सा पॉडकास्ट सुन रही थी, तो बस ये कॉम्बिनेशन ने मेरा ऐसा दिमाग घुमाया कि मेरी कब नींद लग गई मुझे पता भी नहीं चला। और अभी मेरी नींद खुली है जब मेरे को पार्सल रिसीव हुआ, तो आज ये पार्सल का वेट मैं बहुत टाइम से करी, इसमें आपको दिखाती हूँ। दिस इज द पार्सल जो मेरे पास आया है, और गेस व्हाट, आप देख रहे होगे बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ ना मुझे अच्छे शेड्स खरीदना है, शेड्स खरीदना है ब्रांडेड, बट मैं देख भी बहुत टाइम से रही हूँ, मतलब मैं पिछले 2-2.5 साल से अच्छे शेड्स ढूंढ रही हूँ, अच्छे मतलब ब्रांडेड। ब्रांडेड में कैसा आ गया, रेमन आ गया, प्राडा वाडा आ गया, या बर्बरी आ गया, माइकल कोरस आ गया, मतलब अच्छी रेंज वाला देख रही थी मैं, और 10 के ऊपर तक, और 10 के ऊपर 20 के नीचे, ऐसा मतलब 20 के ऊपर मुझे जाना नहीं था, मेरा बजट नहीं है। तो अब क्या होता है, मैं एक बार जैसे विक्की के साथ गई तो विक्की का चॉइस अलग है, विक्की बोलता है ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, फिर मैं मेरी जो फ्रेंड्स हैं करिश्मा दीक्षा उनके साथ एक दो बार मॉल गई तो उन लोगों ने नहीं नहीं ये अलग ये अलग, सबके अलग अलग सजेशन। फिर इधर आती हूँ तो निशा के साथ जाती हूँ, वो मुझे बताती ये नहीं ये नहीं ये 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 ऐसे करके, तो फाइनली मैंने ना, मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरे फेस पे सबको क्या अच्छा दिख रहा है, मतलब लेकिन मैं लूँगी अपने चॉइस का ही। तो मैं एक दिन अकेले निकली थी और अकेले जा करके मैंने बोला यार मैं अपनी शादी की शॉपिंग में अकेले कर सकती हूँ, तो मैं अभी इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ, मतलब बहुत सोच के अब चीज़ें लेती हूँ। फाइनली फिर मुझे एक शेड्स बहुत पसंद आए और वो शेड्स अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डिफेक्टिव थे, मतलब वो तो ऐसे पीसेस रखे रहते हैं ना, तो उन्होंने मुझे फिर लिंक दे दिया था, उन्होंने बोला था आप वेबसाइट पे जा करके रेबन की ये मिल जाएगा, इट्स अ वेरी कॉमन शेड। तो मुझे ना जो एक्चुअली में बहुत पसंद आया था वो मुझे थे प्राडा के शेड्स, आई थिंक मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था, और इनफैक्ट जब मैं वहाँ थी ना भोपाल में तब भी मैंने एक शेड्स देखे थे इसके कहते थे वो गुची के थे, वो भी इसी टाइप के थे, मतलब मुझे ब्लैक मोटे फ्रेम के शेड ज़्यादा अच्छे लग रहे थे जो आजकल चल रहे हैं, तो बट वही था कि फिर उसके बाद लेकिन विक्की का ये कहना था, सजेशन मुझे देना था कि जितने भी शेड्स हैं ना बड़े बड़े ब्रांड के, ये सब पॉलीकार्बोनेट होते हैं, मतलब प्लास्टिक होता है, और जो रेबन होता है वो अपने ग्लास में ग्लास यूज़ करता है, ग्लास इज एनी वेज बेटर देन अगर आप सनलाइट पर्पज से देख रहे हो, और रेबन में थोड़े बजट फ्रेंडली आ जाते हैं। तो मुझे एक शेड बहुत पसंद आए थे तो मैंने वो ऑर्डर करे हैं, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड रेबन, मैं इसको ओपन करके आपको बताती हूँ। वैसे मैं 4-5 बार पहन के देख चुकी हूँ ज़्यादा शेड्स, ओके बहुत आप ध्यान से देखोगे ना तो ऐसे ग्रीन सा आपको फ्रेम दिखेगा, बट पहनने के बाद ऐसा ग्रीन नहीं लगता है, दिस इज़ अ ब्लैक और वो फ्रेम, और 49 mm है, मतलब मेरे फेस पे ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा ये, तो मैं आपको लगा के बताती हूँ, दिस इज़ द शेड। मुझे इसी तरीके के ब्लैक जेड ब्लैक शेड्स चाहिए थे, सो दीज आर द शेड्स, मुझे तो बहुत पसंद आए भाई, इसलिए मैंने ना सोचा कि अभी मैं किसी से पूछूंगी नहीं, मैं अपने हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं वो लूँगी, और ये मैंने लिए हैं एंड आई रियली लाइक इट। तो अभी मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, विक्की आएगा तो विक्की को दिखाऊंगी, और फिर आज मैं निशा के घर जाऊँगी और लेके जाऊँगी उनको दिखाने के लिए, अभी तक मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ। पे आया है एक तो रेबन का ये वारंटी कार्ड और एक साथ में ये दिया हुआ है, सो दीज आर माई शेड। ये मतलब अब ऐसे नहीं, जैसे वो जो प्राडा वाले मुझे पसंद आ रहे थे वो 25-26 thousand के थे, तो 26 thousand वो भी मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ब्रांड बाय कर रही हूँ, तो इतना तो मेरा कलेजा नहीं था कि मैं खर्च करूँ, तो ये मुझे मिले हैं 11,090 में, और MRP ऑन MRP प्राइस था, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, बिकॉज दीज आर द क्लासिक शेड्स जो हमेशा चलते हैं, यूनिसेक्स है, और ये दीज आर दिस इज माई फर्स्ट शेड्स जो जिसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। चलिए गाइज चलते हैं अब निशा के घर पे, और जो भी प्रेपरेशंस है वो करने के लिए, तो आज मैं अपना कैमरा लेके जा रही हूँ उनके घर, और क्योंकि मैं कैमरा लेके जा रही हूँ ना तो मैं अपना ये वाला बैग भी लेके जा रही हूँ, और साथ में इसमें मैंने वो भी रखी हुई है माथा पट्टी और वो सब, क्योंकि उसमें थ्रेड वेड कैसे बांधना है मुझे आइडिया नहीं है, तो वो मुझे बताएगी, और साथ में मैं लेके जा रही हूँ अपना रेबन वाला शेड्स बिकॉज आई नीड टू शो हर, यस लेट्स गो। तो मैं मेन जिस काम के लिए आई थी ना ये सॉर्ट कराने के लिए, ये मेरा हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से मैं सोच रही हूँ हेयर स्टाइल बनाने का, और यहाँ से नीचे से मैं पूरा कर्ल्स वर्ल्स रखूंगी, सो आई थिंक दिस इज लुकिंग बेटर नाउ, है ना, ठीक है। तो बस अभी हम लोग वही डिस्कशन कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन की एंट्री के लिए, एंड नहीं धमाकेदार एंट्री के, हाँ बस धमाके, हाँ दूल्हा दुल्हन की होगी। ओके गाइस, तो अभी ना हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो इतनी कॉमेडी, मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना ये हरकत, ये अगर हो गया तो लोगों को मजे आ जाएंगे, लिटरली बता रही हूँ, और हम लोगों को बोला फिर नेक्स्ट टाइम एंकरिंग के लिए बुलाने के लिए।
मतलब जो मजे अभी हम हंस रहे हैं ना, पागल हो रहे हैं, बस वो फ्लो आ जाना चाहिए, कल कॉन्शियस नहीं हो जाए, नहीं आप तो नहीं हो जाओ, नहीं नहीं तुम हो ना साथ में तो नहीं हो, और मैं नहीं हो जाऊँ तो हम लोग वही सोच रहे हैं, नहीं होंगे, हाँ एक दूसरे की शक्ल देख लेंगे वही होगा। हम लोग जैसे वर्ड, हमने एक वर्ड लिखा है बेहतरीन शाम, तो बेहतरीन के लिए हम पहले पता नहीं क्या उसको कुछ कुछ निकाल रहे थे मुंह से, तो मेरा ये वर्ड निकल गया था अगर गलती से, तो अब बुलाऊंगी कैसे, तो आइए स्वागत करते हैं संदीप सिंह राज, क्या है नाम, भदौरिया, संदीप सिंह भदौरिया, हाँ। नहीं ऐसे पूरा नहीं नहीं, नहीं तो आइए ये जादौन बोल रहे, आइए भदौरिया एंड चौहान फैमिली का ऐसे मिलन, राइट जो शेड्स हैं वो निशा को बड़े पसंद आए, रख लिया जाए ना फिर, ठीक है, अरे तो भी पत्थर रखी है यार, बाहर निकाल के रखे रहने दो, ऐसे तो नहीं लग रहा ना, नहीं रुचि पक्का, कोई चीज स्मार्ट लग रही है तो उसको अंदर जैसा लग रहा है, और जो चीज नहीं लग रही है वो गाने पे डांस करने वाले ना, कौन से गाने कर रहे हैं, बधाई हो, नहीं वो कर रहे ना वो हाथ में, धाने काजली हो बना लो, धाने काजली हो बना लो, थारे नैनों न तालो राजपलका में बल, अरे यही तो था ना, तो अभी मैं रेडी होना स्टार्ट करती हूँ, दिस इज माई एग्जैक्टली बेयर फेस, तो फेस वगैरह सब वॉश्ड है मेरा, कुछ लगाया नहीं है फेस पे, तो सबसे पहले फेस स्किन और लिप्स को प्रेप किया जाए, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लिप बाम, और फेस पे ना बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, हो माया मेरे नैना ननू, अब नेक्स्ट ना मैं अपने वो लेकर के आई हूँ आई लेंसेज, लेट मी शो यू, ये और ये है, ये ओ लेंस के हैं, एक तो ये है और एक ये है, दिस एंड दिस कहाँ गया, तो मैं सोच रही हूँ मैं ये वाले लेंस लगाती हूँ, अच्छे लगेंगे तो ठीक है, अदरवाइज रेडी हो जाने के बाद तो वो निकाल भी सकती हूँ मैं, लुक एट दिस, मेरे फेस पे ना एक बहुत अच्छा ग्लो आ गया है, वैसे हाथ धो के आती हूँ, इसको लगाती हूँ ऑफ कैमरा, क्योंकि मैं बहुत वियर्ड तरीके से लेंस लगाती हूँ, मुझे इतनी हैबिट नहीं है ना लगाने की, तो बहुत अजीब तरीके से लगाती हूँ, तो आप लोगों को देखने में बहुत गंदा लगेगा, तो मैं ऑफ कैमरा लेंस लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ, तो मैंने लेंस लगा लिए हैं, देखिए लुक एट दिस, बहुत नेचुरल, मेरे को पसंद भी नहीं है बहुत ऐसे कलर एकदम गंदा सा लगाना, नेचुरली लगाती हूँ, और अभी मैं अपने बालों को कर्ल करना स्टार्ट करूँगी, तो कर्ल्स का कैसा प्रोसेस होता है वो मैं डेफिनेटली शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं 1000 से भी ऊपर बार वो शेयर कर चुकी हूँ, मैं अपने स्ट्रेटनर के थ्रू ही कर्ल करती हूँ बालों को, लगाऊँगी ये मोरक्कन ट्रीटमेंट ऑयल, मुझसे ना किसी ने ये हेयर जो मैं कराती हूँ ना उसका पूछा था कि आपने ये फिर से करवाए क्या, नहीं दोस्तों ये जब मैं, आपको याद है मैं यहाँ मुंबई आई थी दिवाली की सफाई करने के लिए, तब मैंने ये करवाए थे, अब मतलब अपने बालों में, और मेरे साथ साथ निशा ने भी करवाए थे, तो निशा के 1 month में ही ये जितने भी स्ट्रिंग्स हैं ये सब निकल गए, और मेरे अभी तक चल रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, मई जून स्टार्ट हो गया भाई, तो मतलब जनवरी से जून तो ये मान लो, और नवंबर दिसंबर आप तब का मान लो, तो तब से अभी तक है, अब बहुत कम बचे हैं, जैसे देखो इक्का दुक्का मतलब 5-6 बचे होंगे, ये भी थोड़े टाइम मुझे लगता है निकल जाएंगे, तो ये हेयर टू हेयर भी डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता मेरे बालों में इतने लंबे क्यों चल रहे हैं, बट ये मेरे बालों में चलते हैं, लंबा चलते हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी फिर से एक बार कराऊंगी तो अगले 6 महीने चलेंगे, तो चलिए गाइस मैं अपने बालों को ठीक करती हूँ, कर्ल करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, लुक एट दिस, क्या सही कर्ल्स हुए हैं, कैन यू सी देम, मजा आ गया।
तो एक्चुअली हम लोगों को 4:30 बजे तक रेडी होना था, तो 1:30 बजे से मैंने रेडी होना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे कम से कम 45 मिनट्स लगते हैं बालों को कर्ल करने में. आपको लग रहा है बहुत फटाफट क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड लगाई हुई हूँ, बट आराम आराम से करने में टाइम लगता है, और जब आप आराम से सुकून से करते हो तो आप रेडी होके भी जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आता है. इतने सुकून से मुझे नहीं लगता मैं आज तक कभी भी अपने किसी भी घर की शादी में तैयार हुई हूँ या किसी भी रिलेटिव की शादी में तैयार हुई हूँ. इनफैक्ट तीनों की शादी में भी मैं इतने अच्छे से तैयार नहीं हो पाई थी, क्योंकि घर की शादी में तो यू नो ना, फटाफट यहाँ करो वो करो ये सब ही चलता रहता है. तो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी. इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ को भी जो हमने फोटोज़ वगैरह भेजी तो वो पूछ रही तुम्हें किसने तैयार किया था. मैंने बोला मैं खुद ही रेडी हुई थी. तो इस बार का जो पोशाक आउटपुट आया है वो बहुत अमेजिंग लगा मुझे, अब तक का मेरा बेस्ट आउटपुट आया था. जो बाल हैं वो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और अब स्टार्ट करूंगी मैं अपना आई मेकअप करना. तो चलिए पहले आई मेकअप स्टार्ट करूंगी, उसके बाद फिर अपना बेस लगाऊंगी मैं एंड में. ओके, तो मैं ना काफ़ी सारा मॉइस्चराइज़र अंडर आई पे लगा रही हूँ पहले से ही. ये दो यूज़ करने वाली हूँ, पैलेट्स मेकअप रिवोल्यूशन की ही हैं दोनों. इतने टाइम बाद मेकअप करने वाली हूँ ना, मज़ा आने वाली है. तो यहाँ पर मैं कोई आपको ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं थी कि कैसा मेकअप टर्न आउट होगा. बहुत टाइम बाद मैं खुद भी मेकअप कर रही हूँ. मैं पहले बहुत मेकअप वीडियोस बनाती थी बट बहुत टाइम बाद कर रही हूँ. और यहाँ पर विक्की आ गया है ब्रेड लेकर के, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो हम दोनों बैठ करके ब्रेड खाएंगे, क्योंकि सुबह भी हमने ना लंच बहुत जल्दी कर लिया था क्योंकि पता था कि फटाफट सारा टाइम पे करना है चीज़ें. तो यहाँ पर मैं आई शेडो लगा रही हूँ और बहुत तगड़ी ब्लेंडिंग कर रही है. मतलब इसको सिर्फ आई शेडो मुझे लगाने में 20-25 मिनट्स लगे, क्योंकि ब्लेंडिंग करो तभी वो अच्छा सा ग्रेडियंट सा इफेक्ट आता है. और आई शेडो टर्न आउट अच्छा हुआ था. ओके, तो अभी जो मैं ये लाइनर लगा रही हूँ ना, ये मैं इसी से ब्लैक वाला जो, एक सेकेंड आप ये देखो, ये कलर लगा रही हूँ. तो ये जो पोशाक है, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे आपने कहाँ से लिया जब मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाला था, तो ये मुझे विक्की की नानी जी ने गिफ्ट किया था मेरी शादी में, उन्होंने दिया था बट शादी में मैंने नहीं पहना था. एंड लुक एट द वर्क, ये पूरा हैंड वर्क है, मतलब हाथ से जड़ा हुआ काम है. और अब क्योंकि 6 साल हो गए इसको तो हल्का हल्का सा थ्रेड का कहीं कहीं निकल रहा है ये, बट ये जब पहनती हूँ तब बहुत सुंदर और क्लासिक लगता है. बहुत पसंद है मुझे ये. तो यस, और ये है ज्वेलरी जो मैं अभी पहनने वाली हूँ इसके साथ. और ये वाली जो ज्वेलरी है ये सब आर्टिफिशियल है, दिवाली. ओके गाइस, सो आई एम रेडी. दिस इज व्हाट माय लुक जो है वो पूरा टर्न आउट होके आया है. तो अभी मैंने जो ये है शीश पट्टी, ये नहीं लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुझे खुद को ही बहुत अजीब लग रहा है तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ. और बाकी जो मेरी नथ है वो मैंने रख ली है, सिर्फ फोटोशूट के टाइम पे मैं उसको पहनूंगी. मैं पहन के दिखाती हूँ, ये भी मेरी शादी की नथ है. चले जाओ भाई. ओके, खसक रही है बार बार. ओके, ये आया प्रॉपर एकदम जो राजपूत बाइसा वाला लुक होता है ना, नाउ दिस इज दैट लुक. लग तो बहुत ज़बरदस्त रहा है बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं अभी रख रही हूँ अपने बैग में. वहाँ का माहौल देखूँगी क्या है और देखते हैं लड़की के घर वाले क्या पहनने वाले, वो भी उसका भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है. तो यस, लेट्स गो. और इस बार, और अब मैं थोड़े से 2-3 फोटोज़ लेती हूँ, शॉर्ट्स लेती हूँ अपने खुद के और फिर फटाफट निकलते हैं. और जो बैग है अपनी पोटली ये वाली यूज़ करूँगी मैं ऑब्वियसली, और जूतियाँ पहनूँगी. एंड यस, दैट्स इट, ये मेरा लुक है. तो
तो हम लोग आ गए हैं वेन्यू पे, आर मॉल में रिट्स बैंक्वेट है, वहाँ पर ये फंक्शन था. तो दो तीन और एक फंक्शन हो रहे थे, आई थिंक किसी और की भी शादी थी. तो इतनी भीड़ हमारे यहाँ के फंक्शन के लिए नहीं है सिर्फ, ये और भी लोगों की है. एंड यस, ये है ब्राइड और ग्रूम. तो पहले ब्राइड ने पोशाक ही पहना था एंड उसके बाद फिर जब लहंगा चेंज कर था, मतलब दो ड्रेस चेंज करे थे. तो बस उनकी एंट्री हो रही है और यहाँ पर पूजा वगैरह स्टार्ट हो चुकी है. हेलो एवरीवन, जाओ बेटा वहां कर लेना. वैसे मेरी फर्स्ट टाइम एंकरिंग है तो कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज माफ करिएगा मुझे. वाह. तो आप सभी दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों और मेहमानों खास का तहे दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज इस बेहतरीन और खूबसूरत शाम में जो आप लोगों के लिए स्पेशली सजाई गई है. आज हम सभी लोग एक साथ दो लोगों को हमेशा के लिए एक होता हुआ देखने वाले हैं. 2, 3. करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलती हूँ. और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा.